नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है स्टडी विद सिविल बॉडी। आज का जो हमारा स्पेशल वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन ग्लेशियस फॉल के बारे में, कि आपको जो ग्लेशियस फॉल है उसको आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको, थोड़ी चीज बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। वो ये है कि जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था शारदा फॉल का, ठीक है ना, कि शारदा फॉल जो है उसको आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है शारदा फॉल का, तो फिर आपके लिए ये डिजाइन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो पहले आप इसको वीडियो को देख लेना कि शारदा फॉल को कैसे डिजाइन करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जा सकते हैं। उसके अगर आप शारदा फॉल को डिजाइन कर लेते हैं, सीख जाते हैं, तो ये डिजाइन करना आपके लिए काफी ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्लेशियस फॉल की, कि ग्लेशियस फॉल क्या होता है और बेसिकली क्या डिफरेंस होता है शारदा फॉल में ग्लेशियस फॉल में। इसका बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है सिस्टम से, कि आपने जो क्रिस्ट प्रोवाइड किया है, कि क्रिस्ट कैसा प्रोवाइड किया है और सिस्टर्न किस तरह से प्रोवाइड किया है। क्रिस्ट और सिस्टर्न, अगर मैं ये बात करूं कि क्रिस्ट और सिस्टर्न में बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर हम चीजें डिफाइन कर रहे हैं, वो है क्रिस्ट। क्रिस्ट जो होता है, मेनली जो क्रिस्ट है, उस क्रिस्ट की कैसी शेप है, कैसे आपने प्रोवाइड किया है, उस बेसिस पर ये डिजाइन ऑफ ग्लेशियस फॉल है वो डिफरेंट हो जाती है। अब ग्लेशियस फॉल में भी अलग अलग टाइप है, दो टाइप है बेसिकली, एक तो माउंटेन और एक है इंग्लिश। इंग्लिश फॉल जो है बेसिकली डिजाइन ग्लेशियस फॉल का एक पार्ट है। इंग्लिश फॉल यानी ग्लेशियस फॉल का एक पार्ट होगा इंग्लिश फॉल। इंग्लिश फॉल कब बोलेंगे, जब आपका जो ग्लेशियस है वो स्ट्रेट हो, और मोन्टेक कब बोलेंगे, जब आपका ग्लेशियस क्या हो, पैराबोलिक हो। अब क्वेश्चन बनता है कि ग्लेशियस का मतलब क्या है। बेसिकली ये जो आप स्लोप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्लोप है इसी स्लोप को ग्लेशियस बोलते हैं। अगर ये स्लोप जो आपको दिख रहा है, अगर ये स्लोप स्ट्रेट है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, तो ये स्ट्रेट है, तो उस केस में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इंग्लिश फॉल की तरह बिहेव करेगा। बट अगर ये कैसा हो जाता, ये पैराबोलिक होता, तो ये किसकी तरह बिहेव करता, माउंटेन फॉल की तरह बिहेव करता। तो समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाहता हूं मैं, मतलब कि आपने एक फॉल बनाया और उस फॉल में आपने यहाँ पर क्रिस्ट प्रोवाइड किया है। अब क्रिस्ट में क्या होता है, यहां से आपने क्या है, ये पैराबोला प्रोवाइड कर दिया। अगर पैराबोलिक है तो उस केस में ये क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, ये कौन सा फॉल बन जाएगा, ये माउंटेन फॉल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश फॉल है बेसिकली। तो अगर आपको एग्जाम में इंग्लिश फॉल के लिए बोलता है, तो ग्लेशियस फॉल का जो डिजाइनिंग है इंग्लिश फॉल की तरह ही होगा बेसिकली। ठीक है, तो अब हमको डिजाइन करना क्या क्या है ये पहले पता होना चाहिए। तो बेसिकली जैसे मैंने शारदा फॉल में बताया था कि शारदा फॉल में हम अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में दोनों तरफ विंग वॉल डिजाइन करते थे। विंग वॉल के साथ में पिचिंग वगैरह थी, अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम की, कब प्रोवाइड करनी कब नहीं करनी है, जो सिस्टर्न है सिस्टर्न की लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, क्रिस्ट जो होता है क्रिस्ट के लिए हाइट कितनी होगी, अप स्ट्रीम के लिए डाउन स्ट्रीम के लिए एफ एस एल कितना है, टी एल कितना है, कितना वेलोसिटी हेड होगा, तो सारी चीजें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे दोनों चीजों को, और वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, दो पार्ट बनाएंगे इसके और दोनों पार्ट में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो लगभग 5-6 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे चीजों को। ठीक है, आराम से करते हैं। चलिए अब देखो, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सिस्टर्न की, कि जो सिस्टर्न आप डिजाइन कर रहे हैं उस सिस्टर्न में आपके सिस्टर्न एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि सिस्टर्न में कौन कौन सी चीजें जो डिजाइन करनी है, तो छोटी छोटी चीजें उनको डिजाइन करना है। सबसे पहला काम यह है कि जो क्वेश्चन में डेटा आपको अवेलेबल होता है, उससे अपस्ट्रीम टीएल को आप मेंशन करें, अपस्ट्रीम एफएसएल को मेंशन करें, डाउनस्ट्रीम एफएसएल और डाउनस्ट्रीम टीएल को मेंशन करें। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी अपस्ट्रीम टीएल है और डाउन स्ट्रीम आपकी टीएल है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके हेड लॉस को बताता है, यानी कि ड्रॉप को बताता है। ठीक है ना, कि ड्रॉप कितना है, जिसको हम एचएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैं बताऊं, ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, एचएल गिवन होता है क्वेश्चन में। अगर आपने क्वेश्चन किया हो शारदा फॉल को, तो एचएल आपको गिवन होगा। उसके अलावा आपके पास में ये जो आपका बेड होता है नीचे, ठीक है ना, ये बेड होता है सिस्टर्न का जो बेड है, उस सिस्टर्न के बेड से और आपका जो डाउन स्ट्रीम का टीएल, उसकी जो हाइट होती है वो होती है 1.25 ऑफ एफ ई एल ई एफ टू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये समझना ई एफ टू का मतलब क्या है। ई एफ टू बेसिकली ये ध्यान रखना, ई एफ टू एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है, कितना हेड है आपका। इसकी जो वैल्यू है ये कितनी होती है, ये होती है कि डाउन स्ट्रीम की टी ई एल, और ये जो आपका पॉइंट है जहां पर एनर्जी डाउन होकर फिर वापस उठती है, जहां से जंप स्टार्ट होती है वहां तक क्या हाइट होती है ई एफ टू की। लेकिन अब बात आती है कि अगर मुझे ई एफ टू कैलकुलेट करना है, तो ई एफ टू की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो ध्यान रखना, ई एफ टू आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या उसके लिए आपको एक टेबल प्रोवाइड की गई होगी, उस टेबल में ये होगा। बेसिकली बुक्स में ये अवेलेबल होता है, बुक्स में एक टेबल होती है, उस बुक्स में डायरेक्टली आपको याद करना होता है, लेकिन आपको याद करना काफी मुश्किल हो जाता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इसके बारे में वैल्यू देगा, या तो टेबल देगा या उसकी ईएफ टू की वैल्यू देगा, नहीं तो फिर याद करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है, इन चीजों की कैलकुलेशन करनी है गिवन डेटा के बेसिस पर। फिर आपको सिस्टर्न की लेंथ बतानी होती है, तो ध्यान रखना सिस्टर्न की जो लेंथ होती है वो होती है 5 to 6 टाइम ऑफ ई एफ टू, यानी कि ई एफ टू की जो वैल्यू है
उसका 5 टाइम्स और 6 टाइम्स आप कैलकुलेट कीजिए, इनके बीच में इसकी लगभग इसकी वैल्यू होती है 5 से लेकर 6 टाइम ऑफ ई एफ टू, जैसा हमने पहले शारदा फॉल में देखा था उसी बेसिस पर। ठीक है, चलिए ये काम होने के बाद में फिर आपका दूसरा काम होता है कि क्रिस्ट की लेंथ, कि जो आपका क्रिस्ट है उस क्रिस्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो क्रिस्ट की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है कि आपने जो भी डिजाइन की है, जो डिजाइन है वो फ्लूम है या अनफ्लूम है। ठीक है ना, तो फ्लूम है या अनफ्लूम है उसके बेसिस पर डिजाइन होगी। अगर अनफ्लूम है आपका केस वन, अगर अनफ्लूम आपका फॉल है तो उस केस में क्रिस्ट की जो लेंथ है वो वेड विड्थ के बराबर होगी। लेकिन अगर फ्लूमिंग टाइप का फॉल है तो उस केस में आपको ये देख चेक करना पड़ेगा कि जो ड्रॉप है, बेसिकली हेड लॉस हो रहा है, एचएल ड्रॉप है, वो कितना है। अगर 1.25 तक दे रखे ही वैल्यू तो 65% ऑफ द विड्थ आपको लेनी है। ठीक है ना, विड्थ कितनी है, उस विड्थ का 65% लेनी है, बेड की विड्थ का। अगर 1.25 से 3 मीटर तक की वैल्यू दे रखी है तो 75% लेनी है। अगर 3 मीटर से ज्यादा है ड्रॉप तो आपको 85% ऑफ द विड्थ लेनी है। अब ध्यान रखना कि किसका कि विड्थ ऑफ द, आपको विड्थ किसकी लेनी है, जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में बेड की विड्थ उससे। ठीक है ना, तो विड्थ जो भी है बेड की, उस बेड की विड्थ सा आपको लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं अगर आपको ड्रॉप दे रखा है 1.25, है ना, 1.25 मीटर है ड्रॉप, तो उस केस में आपको क्या लेना है, 75/100 मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ बेड। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। थोड़ा अब इस चीज को समझ सकते हैं इजीली, ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए ये काम होने के बाद में जब आपको पता चल जाएगा कि बेड की विड्थ क्या होने वाली है तो आपको देखो नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपका काम होता है कि आपको क्रिस्ट विड्थ पता करनी चाहिए कि जो क्रिस्ट आपने बनाया है उस क्रिस्ट की विड्थ कितनी होगी। तो क्रिस्ट की विड्थ के लिए अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो इसमें भी दो पॉइंट होते हैं, एक तो होता है नैरो क्रिस्ट, एक होता है ब्रॉड क्रिस्ट। अगर नैरो क्रिस्ट डिजाइन करना है या ब्रॉड क्रिस्ट डिजाइन करना है तो दोनों की अलग अलग सिचुएशन होती है कि आपका जो फॉल है फ्लूम है या अनफ्लूम है। ठीक है ना, दो केस बनते हैं वापस से। अच्छा एक चीज और, क्या एक चीज समझना कि जो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है फ्लूम या अनफ्लूम, अनफ्लूम या फ्लूम से क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई बोलता है फ्लूम टाइप का है, इससे मतलब क्या होता है। वैसे क्वेश्चन में मिलेगा कि फ्लूम टाइप का करना है या अनफ्लूम टाइप का करना है। फ्लूम में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो बेड है, बेड की जो विड्थ है आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है ना, आगे जाके कम हो जाएगी विड्थ धीरे धीरे। लेकिन अनफ्लूम में क्या होता है, बेड की जो विड्थ है वो चेंज नहीं होती, सेम रहती है। ठीक है ना, और कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपका अनफ्लूम टाइप का है तो उस केस में आपको नैरो क्रिस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो क्रिस्ट की विड्थ है वो फिक्स है, वो कितनी होगी, 2/3 ऑफ एच होगी। और ब्रॉड क्रिस्टेड वियर की अगर मैं बात करूं तो उस केस में आपके कि जो अनफ्लूम है उसमें तो मैंने नैरो क्रिस्ट प्रोवाइड किया, और फ्लूम में मैं ब्रॉड क्रिस्ट प्रोवाइड करूंगा और विड्थ होगी 2.5 एच। ठीक है ना, इसकी इतनी विड्थ होगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एच क्या है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना एच की अगर कैलकुलेशन करनी है तो एच होता है हाइट ऑफ द अपस्ट्रीम टीएल फ्रॉम द क्रिस्ट लेवल। कि क्रिस्ट लेवल जो आपका है, जैसे आप यहाँ से बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये जो क्रिस्ट आपने प्रोवाइड किया, इस क्रिस्ट का जो लेवल है, यहाँ से जो पानी जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, अपस्ट्रीम की क्या होगी, टीएल होगी, होगी नहीं होगी, ये बेड जो पानी है उससे ऊपर होगी अपस्ट्रीम की टीएल। तो वहां से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट होती है उस पूरी हाइट को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द अपस्ट्रीम लेवल फ्रॉम द क्रिस्ट लेवल। तो ये जो हाइट है ये बेसिकली क्या होती है, यही होती है एच, जैसा कि शारदा फॉल में था, सेम वही चीज है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये एच की कैलकुलेशन होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि एच की कैलकुलेशन होगी कैसे, कहां से आएगी एच की वैल्यू। तो एच की कैलकुलेशन के लिए आपको स्टेप नंबर 4 में जाना पड़ेगा, यहां से डिस्चार्ज होगी। तो बेसिकली जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते टाइम पे आपको डिस्चार्ज वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज पहले करना है, और जो क्रिस्ट की विड्थ है इसको बाद में बताना है। ठीक है, डिजाइन में मैं पहले बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे इसलिए। तो अब देखो कि अगर आपको डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है कि डिस्चार्ज कितना है, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा डिस्चार्ज, लेकिन डिस्चार्ज का फॉर्मूला दो होते हैं कि एक तो होता है ब्रॉड के लिए, एक होता है शार्प के लिए यानी नैरो के लिए। तो शार्प के लिए आपको यूज में लेना है 1.84 और ब्रॉड के लिए 1.7 एलएच की पावर 3/2। इन दोनों फॉर्मूलेज को यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पर एच भी है, जानना एच भी मल्टीप्लाई में एच भी लिखानी है ना। तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करके क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर एक चीज, हाँ इसको करेक्ट करो, इसमें एल एच की पावर है ना, तो इसको सही करो, 1.84 एल एच की पावर 3/2। ठीक है ना, तो ये फैक्टर जो है 1.84 होगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों में से जो क्वेश्चन में आपके गिवन उसके हिसाब से आपको करना है। अब एल क्या है, एल है बेसिकली लेंथ ऑफ द क्रिस्ट, जो लेंथ है क्रिस्ट की वो प्रोवाइड करनी है। क्यू आपके पास होगा क्वेश्चन में, उससे आप एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि एच आपको कितना होगा। ठीक है ना, एच की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को डिस्कस कर लिया हमने। अब क्या है, बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम डिजाइन करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको क्या करना है कि लिंक गिवन है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लिंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर अभी जो शो हो रहा है वीडियो, आप उसको क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में,